एसडीएम ज्योति मौर्य के लखनऊ पहुंचते ही हो गया फैसला। न ज्योति मौर्य न मनीष दुबे, ये है मामले का असली गद्दार। ज्योति के पिता ने 12 साल से दबे राज को जब बक्से से निकाला तो सच्चाई आ गई सबके सामने। अब आलोक मौर्य ने मांगी माफी। सीएम योगी देते कोई आदेश, उससे पहले ही दुनिया ने सुना दिया फैसला। जिस पत्नी को रहे कोसते वही निकली वफादार। 15 दिनों बाद मनीष दुबे का आया सबसे बड़ा बयान, फिर मामले ने ले ली एक और नई करवट। जिस एसडीएम ज्योति मौर्य को लोग बेवफा समझ रहे थे, असल में तो कहानी कुछ और ही निकली। बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य अब लखनऊ पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने जब उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया और अपनी बात रखी तो हाथों हाथ मामले का फैसला भी हो गया। इधर पिता ने जब 12 साल तक बक्से में छिपे राज को निकाला तो पूरी सच्चाई भी सबके सामने आ गई। पत्नी के लखनऊ पहुँचते ही और ससुर के बक्से वाले राज को निकालते ही अब आलोक मौर्य माफी मांगने लगा। इधर मामले ने एक और नई करवट तब ले ली जब पूरे 15 दिनों बाद ज्योति के आशिक मनीष दुबे का सबसे बड़ा बयान सामने आया। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जानिए जब ज्योति मौर्य लखनऊ पहुंची तो क्या हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक औरत अगर चाह ले तो किसी मर्द पर बुरे से बुरा इल्जाम भी लगा सकती है, और खासकर जब वो किसी बड़े पद पर पदस्थापित हो। लेकिन ज्योति मौर्य ने ऐसा कुछ नहीं किया। दुनिया ने उसे बच्चलन कहा, पति ने बेवफा बताया, पूरी दुनिया में उसका नाम घिनाया, लेकिन फिर भी वो अपने पद और कर्तव्य की मर्यादा रखते हुए लखनऊ पहुँची, जहाँ उसने डीएम और कमिश्नर को आवेदन देकर इस मामले पर जाँच की बात कही। ज्योति का कहना है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद याद है। वहीं ज्योति के लखनऊ पहुंचते ही प्रेमी मनीष दुबे ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। मनीष का कहना था कि उसने कोई जबरदस्ती नहीं की है, हालांकि उनका ये भी कहना था कि उनसे गुनाह हो गया है और अब वो बुरी तरह फंस गए हैं। वहीं ज्योति के लखनऊ जाने पर प्रेमी मनीष दुबे का कुछ और ही कहना है। मनीष का कहना है कि ज्योति को अपनी नौकरी पर खतरा मंडराता दिख रहा है, इसलिए वो अधिकारियों के सामने जाकर अपना पक्ष रख रही है। इसी बीच ज्योति के पिता ने 12 साल तक बक्से में छुपे उस राज को बाहर निकाला, जिससे आलोक मौर्य माफी मांगने पर मजबूर हो गया। दरअसल आज से 12 साल पहले 19 नवंबर 2010 में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हुई थी। अब शादी का एक कार्ड भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसको ज्योति मौर्य के पिता ने वायरल किया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है आलोक मौर्य ग्राम विकास अधिकारी है, जबकि आलोक मौर्य के पिता के नाम के सामने सरकारी अध्यापक लिखा हुआ है। इसके बाद शादी के निचले हिस्से में जितने भी परिवार वालों का नाम लिखा है, सभी के आगे उनकी नौकरी का वर्णन किया गया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है आलोक मौर्य का पूरा खानदान ही वीआईपी परिवार से ताल्लुक रखता है। वहीं शादी के कार्ड के दूसरे हिस्से यानी कि ज्योति मौर्य का नाम पढ़ेंगे तो उस पर भी अध्यापिका लिखा हुआ है, यानी कि शादी के पहले से ही ज्योति आत्मनिर्भर थी। वो खुद के पैसे से अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल सकती थी, यानी ऐसा नहीं था कि ज्योति पूरी तरह पति पर निर्भर थी। हालांकि कार्ड को लेकर पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें इस तरह का कार्ड शादी के वक्त नहीं मिला था। इधर जब आलोक मौर्य के ससुर ने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी तो सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य हाथ जोड़कर पत्नी ज्योति मौर्य से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि बच्चों के साथ मुझे भी अपने साथ रख लो। फिलहाल मामला सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में चल रहा है, लेकिन मामले का फैसला आता और उससे पहले ही दुनिया वालों ने एसडीएम ज्योति मौर्य को बेवफा बता दिया, जबकि असली गद्दार तो आलोक मौर्य दिख रहा है, जिसने झूठ की बुनियाद पर पति पत्नी के रिश्ते को खड़ा किया। खैर, इस मामले में सीएम योगी क्या एक्शन लेंगे, इसका इंतजार सबको है।